विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं पशुओं का प्राथमिक और घरेलू उपचार कैसे करें। मिलवाएंगे आज के हमारे पशु चिकित्सक से, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और कैसा है आज का मौसम का हाल। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, प्रदेश में मशरूम की खेती की ओर बढ़ रहा है रुझान, BHU के कृषि वैज्ञानिकों ने जिंक से भरपूर गेहूं की नई किस्म की विकसित, और प्रदेश के मारवाड़ क्षेत्र में होगी जीरे की बंपर पैदावार। प्रदेश में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से प्रदेश के कई जिलों में रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कुछ दिनों से लगातार बदल रहे मौसम के मिजाज ने खेती को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसकी भरपाई को पूरा करने के लिए किसान भाइयों के लिए फसल बीमा योजना वरदान साबित हो सकती है। फसल बीमा योजना की अधिसूचना के अनुसार किसान भाइयों को फसल कटाई के 14 दिन के अंदर क्लेम देने का प्रावधान है। क्लेम लेने के लिए अन्नदाता को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-102-1111 पर 72 घंटे में सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा 7 दिन के भीतर कृषि विभाग को लिखित में दे सकते हैं, जिससे फसल का क्लेम समय पर मिल सके। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई कृषि विभाग और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकता है। राज्य सरकार ने नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों के गांव-गांव में बिकने वाला मशरूम अब राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने लगा है। इस कवक में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन सहित कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर मशरूम की खेती किसानों को लाभकारी साबित हो रही है। मशरूम की खेती आसान और सस्ती होने के कारण किसानों में इसका चलन जोरों पर है। उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों के गांव-गांव में बिकने वाला मशरूम अब अन्य राज्यों के शहरी क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने लगा है। इस कवक में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन सहित कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। इसका सेवन कैंसर, डायबिटीज, बोन हेल्थ जैसी गंभीर बीमारियों में भी किया जाता है। इसका उत्पादन साल भर किया जा सकता है। किसान इसकी शुरुआत एक कमरे में खेती करके कर सकता है। इसकी खेती के लिए मशरूम का बीज 7 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके लिए भूसा, पॉलीबैग, कार्बेडाजिम, फार्मेलिन और बीज की ज़रूरत होती है। 1 किलो बीज के लिए 10 किलो भूसे की ज़रूरत पड़ती है। मशरूम को सुखा कर भी बेचा जा सकता है। बाजरा और गोभी के बाद BHU के कृषि वैज्ञानिकों ने जिंक से भरपूर गेहूं की नई किस्म विकसित की है। इस किस्म को काना BHU 13 नाम दिया गया है। देश में कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने ज्यादा पोषण देने वाली किस्म के विकास को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। बाजरा और गोभी के बाद अब BHU के वैज्ञानिकों ने जिंक से भरपूर गेहूं की नई किस्म तैयार की है। इस किस्म को काना BHU 13 नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिंक से मानव शरीर में करीब 200 किस्म के पोषक तत्व बनते हैं। यह मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। सामान्य गेहूं में जिंक की मात्रा 25 से 30 ppm होती है। मारवाड़ संभाग में रबी फसल की लक्ष्य से अधिक बुआई को देखते हुए राजस्थान के किसानों को जीरे की बंपर पैदावार होने की उम्मीद है। मारवाड़ संभाग में रबी फसल की लक्ष्य से अधिक बुआई हुई है। वर्तमान में मंडियों में जीरे की प्रति क्विंटल के
13,000 रुपये के दाम चल रहे हैं। इस हिसाब से मौसम अनुकूल होने से इस बार 3,89,580 मेट्रिक टन जीरे की फसल उत्पादन होने की उम्मीद है। मारवाड़ के किसानों की जेब में 5,065 करोड़ रुपये आएंगे। जीरे की फसल की अच्छी पैदावार से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जीरे की कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि में 6 क्विंटल पैदावार होती है। पश्चिमी राजस्थान में 6,49,430 हेक्टेयर भूमि में जीरे की बुआई हुई है। हमारे किसान भाइयों को अपनी जिंसों के अच्छे भावों का इंतजार हमेशा रहता है, इसी से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के बाजार भाव। गेहूं के भाव विजयनगर की मंडी में 1,670 रुपये, लालसोट की मंडी में 1,773, एकलेरा की मंडी में 1,785, फतेहनगर की मंडी में 1,810 और गेहूं के भाव दूनी की मंडी में 1,588 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। बाजरा के भाव निवाई की मंडी में 1,220 रुपये प्रति क्विंटल, टोंक की मंडी में 1,176, चाकसू की मंडी में 1,255 और लालसोट की मंडी में बाजरा के भाव 1,230 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मक्का के भाव जालौर की मंडी में 1,500 रुपये प्रति क्विंटल, बारा की मंडी में 1,240, बेंगू की मंडी में 1,360, प्रतापगढ़ की मंडी में 1,282 और इकलेरा की मंडी में मक्का के भाव 1,330 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। सरसों के भाव देवली की मंडी में 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, टोंक की मंडी में 5,200 रुपये, चाकसू की मंडी में 5,351, बिलाड़ा की मंडी में 5,425 और सरसों के भाव बारा की मंडी में 5,671 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। चना के भाव विजयनगर की मंडी में 4,652 रुपये प्रति क्विंटल, ब्यावर की मंडी में 4,550, गोलूवाला की मंडी में 4,449, जोधपुर की मंडी में 4,800 और बस्सी की मंडी में चना के भाव 4,555 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। किसान भाइयों, प्रदेश के दिन और रात के तापमान में स्थिरता बनी हुई है, साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। आइए इसी क्रम में देखते हैं आज के मौसम का हाल। जयपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, अजमेर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री, कोटा का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री, उदयपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री, बीकानेर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अंत में जोधपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हमारे किसान भाई कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन से उन्हें अधिक लाभ होता है, इसलिए जरूरी है कि हमारे किसान भाई अपने पशुओं की देखभाल करें, यानी उनमें होने वाली बीमारियों से उनका बचाव करें। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं पशुओं में प्राथमिक और घरेलू उपचार कैसे करें। इसके लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है हमारे पशु चिकित्सक डॉक्टर धर्म सिंह को। डॉक्टर साहब, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि पशुओं में सामान्य और मौसमी बीमारियां कौन कौन सी होती है, इसके क्या लक्षण हैं और हमारे किसान भाई इसकी पहचान कैसे करें। उनमें सबसे प्रमुख है बुखार का आना, दूसरा है नाक से खून आना, तीसरा है कब्जी का होना, चौथा है गाय भैंस के बंद पड़ जाना, फिर पाँचवा है कि गाय की जो बच्चादानी है जिसको फूल निकलना कहते हैं उसका बाहर आ जाना, पांचवा गांठ जानवरों के गले के अंदर गांठ बन जाती है। तो ये 5-6 प्रमुख स्थिति है जिनमें पशुपालक इन स्थितियों का खुद अपने स्तर पर इलाज कर सकता है। अब इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो पशु के बुखार आता है उसके अंदर पशुपालक भाई अपने घर में उपलब्ध जैसे 15 ग्राम नौसादर, 15 ग्राम सेलिसिलिक एसिड और 15 ग्राम मीठा सोडा, उसके साथ में 30 ग्राम चिरायता का चूर्ण आता है, उसको मिक्स करके 50 ml पोटेशियम नाइट्रेट के घोल के अंदर मिक्स करके 100 ग्राम गुड़ के अंदर इस सभी को मिला के
और 200 ग्राम पानी और मिला दें उसमें, इसको सुबह शाम दो टाइम 8-10 घंटे के अंतराल के अंदर। दूसरी स्थिति है कि पशु के पेट से संबंधित कब्जी को होना, इसमें प्रमुखता ये है कि जानवर चारा पूस और बंटा वगैरह खाता है, उसके साथ उस पशु में गोबर का निकास कठिनाई से होता है, तो वो बार बार गोबर नहीं करता और चरना कम कर देता है, इस स्थिति में उस पशु का दूध भी कम हो जाता है और पशु के चारा खाने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। इसमें प्रमुखता अपन ये करते हैं कि उस पशु को 60 ग्राम अपना मीठा सोडा और 60 ग्राम जो सादा नमक होता है वो, और इसके अंदर 50 ग्राम सौंफ और 15 ग्राम हींग, इन सभी को मिला के और 500 ग्राम गुड़ के साथ उसको सुबह शाम दो हिस्से में बराबर दे, 2-3 दिन तक, तो उससे उसके जो कब्जी की शिकायत है पशु की उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और तीसरी स्थिति है जो खून का आना पशुओं में सबसे प्रमुख गर्मियों में होता है, नाक से खूब सारा खून आने लग जाता है अचानक तापमान में वृद्धि होने के कारण, तो इस स्थिति में पशु को सूखे और हवादार और छायादार जगह बांधे, इससे पशु के जो नाक से खून आता है इसमें कमी आएगी। और दूसरी बात, जहाँ से खून आता है उस पर दोनों तरफ ठंडा पानी या बर्फ़ का सेक करें, गर्दन को थोड़ा ऊंचा रखें, फिर भी स्थिति नियंत्रण में नहीं होती तो नज़दीकी पशु चिकित्सक से सहयोग लें। और आगे जो चौथी स्थिति है गांठ का बनना, जानवरों में सबसे ज़्यादा स्थिति जो गांठ बनती है गले में बनती है, तो इस स्थिति में क्या कि गांठ का बन के फूट जाने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है। तो इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए पशुपालक भाइयों को सबसे पहले जो गांठ बनी हुई है उसके जो हिस्सा है उस पर धतूरे के जो पत्ते आते हैं उन पर सरसों का तेल लगा के उनको गर्म करके वो पत्ते बांधें उसके 2-3 दिन तक, तो वो गांठ फूट जाती है। फूटने के बाद उसमें उन पत्तों को पीस के और थोड़ा हल्दी मिला के पेस्ट बना के उसको लगाएं दिन में 2 बार, तो उससे उस घाव में आराम मिलता है। इसके साथ ही अगर उसमें कीड़े पड़ गए हो तो 1 लीटर पानी में 40 ml फिनाइल मिला के उससे उसको साफ करके, और ये जो पेस्ट आता है नीम के छाल होती है उसके बबूल की छाल होती है उसका पेस्ट लगाएं। और आगे की स्थिति होती है बच्चादानी का बाहर निकलना, ये पशुओं में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, इसमें पशु की मृत्यु तक हो जाती है और सबसे नुकसानदायक स्थिति है, ब्याने से पहले भी आता है इसमें और ब्याने के बाद में भी आता है। इसमें सबसे मेन कारण होता है कैल्शियम फास्फोरस की जो इनका अनुपात होता है वो बिगड़ जाना, तो इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पशुपालक भाइयों को जैसे ही पशु दूध देता है उसके साथ साथ ही उनको लवण मिश्रण देना चाहिए। लवण मिश्रण के साथ साथ में उनको पेट के कीड़े की दवाई भी दे, और दूध जब तक पशु देता है तब तक उसको 50-50 ग्राम लवण मिश्रण चालू रखें, और दूध से सूख जाता है उसके बाद जब ब्याने की स्थिति में आता है उस टाइम भी उनको थोड़ा थोड़ा देते रहें, और ब्याने के बाद में अगर स्थिति ऐसी बनती है तो पशु चिकित्सक से सलाह लेके उसका इलाज करवाएं। बच्चादानी बाहर आ जाती है और नज़दीकी पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं होता है उस स्थिति में पशुपालक भाई उस पूरे शरीर को डिटोल से या लाल दवा के सॉल्यूशन से घोल से 1% 0.1% घोल से उसको साफ करके और उसको गीले कपड़े से ढके रखे जब तक पशु चिकित्सक की सहायता उपलब्ध ना हो। ये तो बात की हमने पशुओं में होने वाले रोगों की, बिल्कुल। अब हमारे किसान भाई अपने स्तर पर प्राथमिक और घरेलू उपचार कैसे करें इसके बारे में बताइए। इनमें सबसे पहले एक जो पशुओं के चोट लग जाती है ये भी प्रमुख समस्या है, कहीं से चमड़ी कट जाती है कहीं पर खून इकट्ठा हो जाता है, तो इस स्थिति में पशुपालक भाई जहाँ पर चोट लगी है चमड़ी कटी हुई नहीं है वहाँ जैसे सूजन है खून इकट्ठा हो गया इस स्थिति में बर्फ़ का या ठंडे पानी का उसका सिकाई करें उस जगह की। और इसके साथ अगर कहीं चोट लग गई चमड़ी कट गई खून आ रहा है उस स्थिति में वहाँ पे पिटकरी के अंदर सूती कपड़े को भिगो के और उस सूती कपड़े से वहाँ दबा के रखें। अगर ज़्यादा खून आ रहा है तो उस जिस घाव से खून आ रहा है उसके ऊपर और नीचे 1-1, 2-2 इंची जगह छोड़ के वहाँ कोई सूती कपड़े के धागे से उसको बांध दे उस जगह को। बांधने के बाद में भी स्थिति अगर नियंत्रण में नहीं है तो नज़दीकी पशु चिकित्सक से सहायता लें। दूसरी स्थिति होती है कि पशुओं के अंदर सबसे ज़्यादा सींग टूट जाता है, पशु कहीं खूंटे पर बंधा हुआ है आपस में लड़ते हैं या किसी भी कोई भी खूंटे के लगाने से सींग की जो ऊपर की खोली होती है वो उतर जाती है तो उसमें खूब सारा खून आता है, तो ये स्थिति भी किसान के घर में अचानक उत्पन्न होती है। तो इस स्थिति में किसान को सबसे पहले जो अपने घर में कॉटन उपलब्ध है या कोई पुराना सूती कपड़ा साफ़ सुथरा उपलब्ध है उसको लपेट देना चाहिए उसके, और उसके ऊपर डिटोल डाल देनी चाहिए और उसके बाद नज़दीकी पशु चिकित्सक से
सलाह लेकर उसका इलाज करवाना चाहिए। जब हमारा पशु बीमार है ऐसी स्थिति में कौन कौन सी सावधानी हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए? पशु बीमार होने की स्थिति में पशुपालक भाइयों को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो पशु बीमार है उसको सभी पशुओं से अलग रखें, उसका निवास स्थान चेंज कर दें, उसका चारा पानी सभी को अलग रखें, और जो ठंडी और हवादार जगह होनी चाहिए और उसको पीने को उपलब्ध प्रचुर मात्रा में पानी होना चाहिए, और उसको जो भी स्थिति है उसको तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक से दिखा कर इलाज करवाना चाहिए और जो भी समस्या है उसका निदान करवाना चाहिए। इसके साथ साथ पशुपालक भाइयों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका बीमारी होने के बाद इलाज नहीं है। इस मौसम के अंदर एक कुत्ते काटने से जानवरों में फैलने वाला रोग होता है रेबीज, इसकी भी बहुत प्रमुखता रहती है। तो इस ओर सभी पशुपालक ध्यान दें, अपने पशुओं को खुले में ना छोड़ें। जो छोटे पशु होते हैं भेड़ बकरी उनमें प्रमुखता ये दुर्घटना होती रहती है, जो आवारा कुत्ते घूमते हैं ये उनको बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं, इससे उस पशु का नुकसान होता है, वो ख़त्म भी हो जाता है, उसकी मृत्यु तक हो जाती है, पर सही टाइम पे उसका ध्यान नहीं देते। अगर जो पशु को कुत्ते ने काटा है तो उसके जो रेबीज के टीके लगते हैं वो पूरे टीके लगवाएं, पूरा इलाज करवाएं, इससे उस बीमारी से भी बचा जाएगा। और ये बीमारी आदमियों में भी फैलती है, मनुष्य में भी, जानवरों से आती है, इसलिए उनमें भी फैलने से रुकेगी, तो इससे दोनों लाभ मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, छोटे पशुओं को खुले में ना छोड़ें, रात के टाइम पूरे कवर स्थान पर रखें, उनका जो निवास स्थान है वो पूरी तरह से कवर होना चाहिए जाली से, ताकि कोई भी छोटा जानवर उसके अंदर नहीं घुस सके। डॉक्टर साहब ये बताइए कि तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुपालक भाई क्या करें? इस स्थिति में पशु तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से पशु में देखो हल्का ज्वर आता है, बुखार आता है। दूसरा, इस मौसम में चारे का परिवर्तन होता है, तो चारा नया आता है, पुराना चारे की उपलब्धता कम रहती है, तो उनके पेट की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, पाचन उनका सही नहीं रहता, अपच की समस्या सबसे ज़्यादा बनती है। तो इस स्थिति में जहाँ पशुओं के अंदर चारे की जो नवीनता आती है उसकी वजह से जो अपच होती है, तो उसका समाधान पशुपालक भाई अपने घर पर कर सकते हैं। इसके लिए उनको सबसे पहले हरड़ आती है, 50 ग्राम हरड़ और 50 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम छोटी इलायची, और इसके साथ में सेंधा नमक 50 ग्राम और 50 ग्राम मीठा सोडा और 50 ग्राम गुड़, इन सभी को मिक्स कर लें। मिक्स करके इनके 3 हिस्से बना लें बराबर, तो 200 ग्राम लगभग रोज उसको खिलाएं, 3 दिन तक खिलाएं, तो जो पाचन संबंधी समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा, पशु में हाजमा खराब नहीं होगा और उनका दूध उत्पादन बरकरार रहेगा। तो ये प्रमुख समस्या है मौसम परिवर्तन के साथ और तापमान परिवर्तन के साथ पशु में पेट से संबंधित, तो इस समस्या से पशुपालक भाई निजात पा सकते हैं अपने घर पे ही इसका इलाज करके। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हमारे पशुपालक भाई चिकित्सक की सलाह लें? इसमें प्रमुख ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि थनेला रोग है, ये प्रमुखतः पशुपालक को पता नहीं लगता जी। और इससे अपुन भी जो हुमन मनुष्य है इसके संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। जो थनेला रोग में क्या होता है कि पशु का अपन दूध निकालते हैं, शाम को दूध निकाला तो उस टाइम वो एकदम सही है, सुबह दूध निकालते हैं तो उसमें चीथड़े आते हैं, कभी खून आता है और उसके अंदर पानी सा आने लग जाता है, तो उस टाइम उसमें दूध कम हो जाता है, तो उसमें थनेला रोग विकसित हो जाता है, जिसको अपन सब क्लिनिकल अवस्था कहते हैं। इसमें पशुपालक भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक मॉडिफाइड CMT टेस्ट होता है जिसको पशुपालक भाई खुद भी कर सकता है, तो बड़े पशुपालक है डेयरी का व्यवसाय करते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो CMT टेस्ट के लिए वो जो घर पे उसको कर सकते हैं वो अपने घर पे रखें, और जिसमें ये शिकायत देखने को मिलती है बार बार उस पशु का दूध उसमें निकाल के और उस CMT टेस्ट को लगा कर वो चेक कर सकते हैं। तो सुबह शाम हर 15-20 दिन से इसको चेक करें, अगर उनमें ये समस्या पाई जाती है तो पशुपालक नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर इसका इलाज करवाएं, क्योंकि इसकी इलाज की सुनिश्चितता नहीं करने की वजह से उस दूध के खराब होने के साथ साथ उस पशुपालक का जो पशु है दूध दे रहा है उसका वो थन भी खराब हो जाता है, और वो थन हमेशा के लिए बिना दूध के रह जाता है पशु, उसमें पूरी तरह से दूध आना ही बंद हो जाता है, और एक तरह से 10 लीटर दूध देने वाली गाय या भैंस के 7-6 लीटर तक दूध कम हो जाता है, और वो हमेशा के लिए उसकी खरीदने की और बेचने की जो पशुपालक की क्षमता है वो भी उसमें भी कमी आती है, उसने पूरे पैसे नहीं मिलते पशु के, तो इसलिए इस स्थिति में पशुपालक को तुरंत पशु चिकित्सक के सहयोग से उसका इलाज करवाना चाहिए। दूसरी समस्या है खुरपका मुँहपका बीमारी की, जो ये गाय भैंस भेड़ बकरी और सुअर 5 जानवरों में होती है प्रमुखता से, अपने भारत के अंदर इस बीमारी के लिए
2013-14 से टीकाकरण अभियान चला हुआ है। हर 6 महीने से पशु में टीके लगते हैं। उसके बाद ये स्थिति FMD की जो खुरपका मुंहपका बीमारी की स्थिति है ये काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। ऐसे बीमारी के केसेस बहुत कम हो गए हैं। तो अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि पशु के खुर और मुंह में घाव होते हैं, बीमारी आती है, तो पशुपालक भाई जो खुर में घाव हो गए उन घावों को लाल दवा से धोएं। अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो फिनाइल और मीठा तेल मिला के उस पर स्प्रे करें और कीड़ों से उस पशु को बचाएं कीड़े पड़ने से। तो इससे उस पशु के जो बीमारी का विकराल रूप है वो नहीं आएगा और पशु उसे सुरक्षित रहेगा। और जो राज्य सरकार की तरफ से टीकाकरण का अभियान चलता है वो टीके लगवाएं और इस बीमारी से बचाव करें। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों को दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी? हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर लाभ देगी। आपको कृषि से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नई विषय, कुछ नई जानकारी के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।